लगन की उमंग, संध्या होंडा के संग। 27वां स्थापना दिवस है अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति का बोकारो जिला का, और इसका उद्देश्य एक ही है कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, और आज हम लोग स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित होकर पढ़ने और लड़ने का, नीति पर चलने का काम, लोगों को बताने का काम करते हैं। क्योंकि शिक्षित परिवार ही आगे जा सकता है, और शिक्षा के अभाव पर ही हमारा समाज जो है बहुत पीछे चला गया है। हम आज के दिन में ये संकल्प लेते हैं कि हम समाज को मजबूती के साथ, संगठन को करने के साथ साथ अपने परिवार में खास करके बच्चियों को पढ़ाने का काम करेंगे और आगे समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, आप आज जो है आपके समाज में सबसे बड़ा चुनौती क्या है? आज हमारा समाज में सबसे बड़ा चुनौती बेरोजगारी है। सर, आपको क्या लग रहा है कि सर आपका समाज बेरोजगार को निष्पादन कर सकते हैं? सर, लोगों को रोजगार, देखिए समाज में बेरोजगारी दूर तभी हो सकता है जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, और जब हम शिक्षित बनेंगे तो हम खुद ब खुद अपना परिवार को चलाने के साथ साथ कई लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। सर, 27वां स्थापना दिवस के में सर आप लोग कुछ संकल्प लेंगे सर कि हम लोग समाज को कुछ करेंगे आगे? समाज में हम चाहेंगे कि समाज की जो युवा साथी है, जो बच्चियां हैं, वो पढ़ लिख कर आगे जाएं और समाज में अपना स्थान स्थापित करें, और बोकारो ही नहीं पूरे देश में अपना एक पहचान बनाए। सर, क्योंकि बावरी जाति जो होता है वो मेहनत का जाति होता है, हल भी चलाने जानता है, मट्टी भी काटने जानता है, कोयला भी ढोने जानता है, और आज के दिन में हम शिक्षा में भी आगे जा रहे हैं। आपको एक उदाहरण देंगे, शिक्षा को ग्रहण करके यहाँ के MLA आपके अमर बावरी जी आज MLA हैं, हमारे समाज से इसे गर्व की बात है। चंदन कियारी से ही चामसोबाद के एक हमारे साथी जो हमारे समाज के हैं, दिनेश बावरी जी, वो आज जज बने हुए खुटी में हैं। ये सब, और आज कई के मुखिया बन गए हैं, कई लोग हमारे बंगाल में विधायक बन चुके हैं। तो हम समाज को मजबूत करने के लिए ये स्थापना दिवस का संकल्प लेते हैं कि हम इसी तरह से समाज में संगठित होकर हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और एक आदमी जज बन जाने से और एक आदमी विधायक बन जाने से पूरे समाज का उत्थान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम चाहेंगे कि कई एक आदमी बने, कई एक आदमी इस तरह के पद पर जाए, और उसी के लिए तो हम स्थापना दिवस में संकल्प लेने के लिए आए हैं। आज के इस बैठक के माध्यम से सर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश है कि एकत्रित होकर, संगठित होकर समाज को मजबूत करने का काम करें, और शिक्षा का ज्योति घर घर में जलाने का काम करें, खास करके बच्चियों को पढ़ाने का काम करें। सर, इस कमेटी के सर आप क्या हुए, मतलब किस? हम केंद्रीय अध्यक्ष हैं, गोरचंद बावरी केंद्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण। मैं समाज के जो है प्रति सिपाही का काम करूंगा, और जो हमारे केंद्र जो दिशा निर्देश देंगे उन केंद्रीय पर काम करूंगा। और 27वां आपका जो स्थापना दिवस यानी जन्म दिवस, इस दिन जो है अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति का जो है नामकरण किया गया था, उसके विषय आज हम लोग में काफ़ी गौरव का विषय है और हार्दिक उल्लास है। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं पूरे समाज को जो है एक संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग बोकारो जिला ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हमारे समाज के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर दो बेनिफिट पर काम करेंगे। इस बार मधुसूदन जी एक बार देखा जाता है कि समाज को दो भाग में बट गया है सर, क्या कहेंगे? हमको लगता है कि और एक समाज चलता है आपका? नहीं नहीं, मतभेद है, मनभेद नहीं है। जो है उनका भी उद्देश्य है कि समाज की मैं सेवा करूँगा, और हमारा भी जो है उद्देश्य सेवा करूँगा, तो मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है उनका कमेटी मजबूत होंगे सर? आपको, आपका कमेटी समाज के लिए प्रति मजबूत होंगे सर? ऐसा नहीं है, मजबूती का सवाल बात में नहीं है। एक्चुअली भविष्य में आप एक सूत्र में बांध पाएंगे अपने समाज को? बिल्कुल, और मुझे आशा नहीं, विश्वास है। जो है ये अखिल भारतीय समाज कल्याण समिति जो है पुराना संगठन है, और ये दो पीढ़ी से चला आ रहा है,
और लोग आएंगे सर समाज के प्रति है लेकिन आएंगे जरूर। समाज के प्रति सर आप देखते हैं काफी जागरूक रहते हैं, क्या बोकारो जिले में नया कुछ आगाम दे पाएंगे सर आप? देखिए असत्य जो है, असत्य जो है और सत्य जो है, तो सत्य भले परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। होंडा की कोई भी टू व्हीलर की बुकिंग पर पाए 5 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का मुफ्त, साथ में 1500 रुपये का कैशबैक, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। संध्या होंडा, अथोराइज्ड होंडा टू व्हीलर्स डीलर, चास एंड चीरा चास।